Assalamualaikum students. Subject math class 5. Topic numbers and arithmetic operations. Exercise 1C. Students, exercise 1C की revision में आज हम question number 5 start करेंगे. Question number 5 की statement है, the price of a sugar bag is ₹6,894. What will be the price of 312 such bags of sugar? Students, इस question में हमें ये बताया गया है कि एक sugar bag जो है उसकी price है 6,894. हमने find करनी है 312 sugar bags की price. ठीक है, हमें एक बैग की प्राइस दी गई है, हमने 312 बैग्स की फाइंड करनी है. तो जब भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी एक चीज की प्राइस गिवन हो और ज्यादा की आपने फाइंड करनी हो, तो वन थिंग की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ थिंग से. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या क्या है, दी प्राइस ऑफ a sugar bag ₹6,894. ये हमें एक sugar bag की price given है. हमने कितने bags की find करनी है, the price of 312 sugar bags. हमें एक ही गिवन है, हमें 312 शुगर बैग्स की फाइंड करनी है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो एक बैग की प्राइस है वो है 6,894, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बैग से जिनकी हमने फाइंड करनी है, तो वो है 312. ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,894 को 312 से. तो मल्टीप्लिकेशन देखिए स्टूडेंट्स, 6,894 मल्टीप्लाई 312. ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 8 लिखेंगे, 1 नेक्स्ट को कैरी कर देंगे. 2 8 जा 16 प्लस 1 कैरी 17, 7 लिखेंगे, 1 नेक्स्ट को कैरी कर देंगे. 2 6 जा 12 प्लस 1 कैरी 13. ठीक है, ये 2 को हमने 1 बाय 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आई. अब 1 को सबसे करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन आएगा. 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6. आपने डिजिट्स को ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है, हमने 1 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की टर्न है तो उसे थर्ड स्टेप में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई का साइन आएंगे. 3 4 जा 12, 2 हमें लिखा, 1 नेक्स्ट को कैरी कर दिया. ठीक है, 3 9 जा 27 प्लस 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28. 8 हमने लिख दिया, 2 नेक्स्ट को कैरी कर दिया. ठीक है, अब 3 8 जा 24, 24 में हम 2 जो कैरी वाले हैं वो ऐड करेंगे, 24 में 2 ऐड करें 26, यहाँ 6 लिखेंगे और 2 नेक्स्ट को कैरी कर दें. ठीक है, 3 6 जा 18, 18 में जो 2 हमारे पास कैरी है उन्हें ऐड करेंगे, तो 18 में 2 वो कैरी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 को भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8 एज इट इज, 8 प्लस 4 12, 2 लिखेंगे, 1 नेक्स्ट को कैरी कर देंगे. ठीक है, अब 7 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16. 16 में स्टूडेंट्स ये 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 और 1 कैरी ऐड करेंगे 19, तो यहाँ 9 आएगा, 1 हम नेक्स्ट को कैरी कर देंगे. ठीक है, 3 को 8 में ऐड करेंगे 11, 11 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, 19 में 1 कैरी ऐड करेंगे 20, 20 तो यहाँ हम लिखेंगे 0,
टू नेक्स्ट को कैरी कर लिया। वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थर्टीन में टू ऐड करेंगे कैरी वाले तो हमारे पास फिफ्टीन आएगा। फाइव लिखेंगे वन, नेक्स्ट को कैरी कर देंगे। वन प्लस जीरो वन, टू एज इट इज क्योंकि टू के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 2,150,928। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, रुपीज 2,150,928। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आई। हमें एक बैग की प्राइस गिवन थी, हमने 312 बैग्स की फाइंड करनी थी, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास 312 शुगर बैग्स की प्राइस है 2,150,928। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों ने खुद करना है, वो भी क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।